प्रवासी महासंघ द्वारा ये छठा साल पूजन का, छठ पूजा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से हमारे तत्वाधान में ये नोएडा का सबसे बड़ा छठ घाट निर्मित हुआ है, जिसमें आज करीब 30,000 श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। कल से ही, आज से ही आप देख रहे हैं यहाँ का विहंगम दृश्य, लगभग एक एक इंच जमीन लोगों ने छाप लिया है, कहीं पर कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि इसमें जल बिल्कुल स्वच्छ जल है, और इसमें हमने गंगा जल भी 10 टैंकर मिलाया है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, सुरक्षा की बहुत कड़ी व्यवस्था है, औरतों के लिए चेंजिंग रूम वगैरह की भी बहुत सुदृढ़ व्यवस्था की है हमने। कोरोना प्रोटोकॉल का कोई नियम यहाँ पे, जितने भी कोरोना मानक हैं उस पर हमने यहाँ पर प्रतिबंध किया हुआ है, और बगैर मास्क के हम मास्क भी वितरित करेंगे, सैनिटाइजर भी हम रखे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन मानकों का पूरा ख्याल रखा जाए। छठ पूजा है आज, बिक्री कैसी हो रही मार्केट में, किस तरीके से माल बिच रहा है, नहीं बिच रहा? मार्केट में दम ही नहीं है, पूजा में इसके काम धंधा है नहीं, पहले काम धंधा था वो काम धंधा नहीं है। लॉकडाउन पर का कोई असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है लॉकडाउन से, सब जितने भी हैं भैया सब अपने गांव चले गए हैं। गाँव में जा सकते हैं, त्यौहार बहुत अच्छा होता है, सेल भी बहुत अच्छी होती है, अब क्या छठ पूजा बिक गई है। पहले तो बहुत माला निकल जाते थे, हमारा एक क्विंटल माल निकल जाता था, अब तो एक क्विंटल माल भी नहीं निकलता फूल माला। ये देखो मट्टी का सामान ही सारा निकल जाता है, सारा मट्टी का सामान रह चुका है, जितना भी है सब निकल जाता है, आपके बहुत सामान रह चुका है, नीचे भी रखा है कार्टून हमारे मट्टी, हाथी जितने हैं ये सब हाथी निकल जाते हैं, हाथी भी ऐसे रखे हो रहे। पहले से बहुत ज़्यादा काम में फ़र्क आया है, लोग बाग घर गए हो रहे, लॉकडाउन में सबका हाथ तंग उठ चुका है लोग बागों का, सैलरी वगैरह किसी की मिली नहीं है, जो मिली थी वो दीपावली पे लगा दी लोग बागों ने, अब छठ मैया पे तो सब ऐसे ही रह गए हैं। विकास तिवारी है, छठ पूजा का पर्व है आज जी,
कितनी उत्साह है भक्तों में और कितनी यहाँ चलने वाले लोग। पिछले 3 दिन से इस छठ का घाट बनाने के लिए सुबह से शाम तक मतलब रात तक हम लोग यहीं पे 3 दिन से छठ का घाट की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के अंदर उत्साह देख सकते हैं आप। पीछे ये देखिए, आप कैमरा करें तो लोगों ने केले के पेड़ और बहुत सारी चीज़ें बना रखा है और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि बहुत ज़्यादा। खैर, छठ का हमारा जो पर्व होता है ये इसमें उत्साह छठी मैया की कृपा बहुत रहती है। उसमें पिछले साल इसका ये नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, कितना फर्क पड़ा है, इस बार कितने लोग यहाँ पे जुटने की उम्मीद है? कोविड के वजह से पिछले साल छठ का कार्यक्रम हमारा नहीं हो पाया। इसमें पिछले साल हमारे यहाँ पे 35,000 से 40,000 लोग आए थे छठ व्रती। इस बार जैसी क्राउड दिख रही है, भीड़ दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 50,000 से लोग ज़्यादा आएंगे।